हे गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ जनपद मार्केट। फ्रेंड, जनपद मार्केट में जैसे ही आप जाते हैं आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करने वाले आप खो जाएंगे। इसलिए गेट नंबर 2 से एग्जिट करें मेट्रो के, और उसके बाद आपको ऐसे शोरूम मिल जाएंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेंज है 100 से है, और जो जो अंदर आपको टॉप दिख रहे हैं ये 300, 500, 600 ऐसे हैं। सबकी रेंज अलग है साइजेज वाइज, और इनके कपड़े की क्वालिटी फ्रेंड सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि इनके कपड़े की क्वालिटी अलग है। और मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी, मैं वहाँ से एक टॉप लेके भी आई थी। तो आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गुजराती लाइन। तो इसमें ना आपको मैं एक चीज़ दिखा बता दूँ कि इसमें जैसे आप जब गेट नंबर 2 से एग्जिट करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर होम डेकोरेशन के छोटे छोटे सामान मिल जाएंगे। उसके बाद आपको शॉप मिल जाएंगी कपड़े की, जो शॉप मैंने आपको टॉक की थी। उसके बाद आपको गुजराती लाइन दिख जाएगी, उसके बाद मेन गेट आपको दिख जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, मतलब 20-25 कदम पे आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट अपने गुजराती लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं, वो जो होम डेकोरेशन सामान मिलते हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं और हैंडमेड रहते हैं। ये हाथ से अपने इनको डिजाइन करे रहते हैं। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। रेंज भी इनकी काफ़ी रीजनेबल है, और इनकी जो साइजेस है उनके हिसाब से इनकी रेंज है। 200 से ये स्टार्ट हो जाते हैं, और बाकी आपको जैसे जैसे लेने हैं जितने बड़े, तो उस हिसाब से उनकी रेंज रहती है। यहाँ पे आपको झुमके के कलेक्शन मिल जाती है, और मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे बैग बहुत पसंद आए थे, क्योंकि मुझे बैग वैसे भी बैग के डिजाइंस और बैग लेना पसंद भी है, और वैसे बैग ऐसे जो कोड़ी वाले रहते हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इनकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी थी कि इनमें कोड़ियों के डिजाइन लगे हुए थे। और इनकी जो रेंज है वो 500 से स्टार्ट हो जाती है, बाकी आगे जिस क्वालिटी का रहता है उस क्वालिटी के हिसाब से रेंज बताते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी खरीदते हैं तो फ्रेंड्स बार्गेनिंग जरूर करिए, क्योंकि बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो फिर शायद वो ज़्यादा बता दें और ज़्यादा में आप लें, फिर आप कहें कि ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो बार्गेनिंग, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसमें बार्गेनिंग करिए। स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स प्राइस रहते हैं टॉप ऑफ के, तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप बैग की जगह पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, और आगे अंदर मार्केट में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको पर्स मिल जाएंगे, पर्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। आपको हाथ में लेने वाले पर्स, वैसे कॉलेज पर्स और स्कूल पर्स, स्कूल बैग, बच्चों के बैग, सब हैंडमेड मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप जनपद मार्केट जाते हैं तो आपको बृहस्पतिवार को जाना है, ठीक है, वीरवार को जाएं, और आप 11 बजे जाएं, क्योंकि 11 बजे से पहले इसका ओपनिंग टाइम 11 बजे ही है, आपको 11 बजे ही जाना है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स ज्वेलरी की कलेक्शन आपको मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे कड़े मिल जाएंगे, सबके प्राइस अलग अलग हैं। जैसे कि इनकी जो डिजाइन है, ये मैंने ऐसा डिजाइन मूवीज़ में पहने हुए देखा हुआ है, वैसे हर जगह ऐसे डिजाइन नहीं मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे डिजाइन के हिसाब से और हर बैंगल के हिसाब से सब के प्राइस अलग अलग मिल जाएंगे। स्टार्टिंग रेंज इनकी 100 रुपीज़ है, बाकी जितना भारी लेना चाहेंगे आपको उस हिसाब से उसकी रेंज आपको ये बता देंगे। मेरे को यहाँ पे बैग की कलेक्शन, स्कूल और कॉलेज के बैग की कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनकी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इनकी जो क्वालिटी और कपड़े की क्वालिटी और डिजाइंस हैं, जैसे इनमें साइड में डिजाइन बन रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। यहाँ पे आपको कोटियाँ मिल जाएंगी, जो मतलब आपको खुली मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से इसमें फिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नॉर्मल बैग मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं, साड़ियाँ मिल जाएंगी, अगर आपको यहाँ से साड़ियाँ लेनी है तो साड़ियाँ भी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको डिजाइनिंग। वैसे ही जो गुजराती लाइन है इसमें आपको ज़्यादातर बैग्स ही बैग्स दिखेंगे, मैंने आपको सारे ही बैग यहाँ पे दिखा दिए हैं, सारी शॉप कवर की है, इसीलिए जितनी भी शॉप थी मैंने सारी ही कवर किए हैं बैग की। आप देख सकते हैं किस कलेक्शन में आपको यहाँ पे जनपद मार्केट में बैग मिल जाएंगे, क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, दिखती होगी, दिख जाती है चीज़ों को देखते ही कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और ज़्यादातर जितनी भी दुकानें हैं इनकी रेंज 500-300 से स्टार्टिंग हो रही है, और 300-200 से बस उसके बाद बढ़ती चल जा रही है, जिस हिसाब से कोई चीज़ है उस हिसाब से वो बढ़ा देते, बाकी आप बार्गेनिंग करिए। फ्रेंड्स, अगर आप जनपद मार्केट जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा जो
पहले तो स्टोर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये मिल जाएगी लाइन, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेन गेट मिलेगा कपड़ों की लाइन का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको रोड पे दिख जाएगा। ये भैया ने लगा रखी थी, इनकी मूर्ति मिल जाएंगी आपको यहाँ पे 100 से इसकी स्टार्टिंग है। और यहाँ पे गणेश जी की वैसे जो मूर्ति है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी थी, डिजाइनिंग सच में काफ़ी अच्छी थी, और हैंडमेड यहाँ पे आपको घर को सजाने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए इस तरीके की मूर्तियाँ मिल जाएंगी अगर आपको अपने घर पे लेके जाना है। और यहाँ पे आपको घड़ी मिल जाएगी, अगर घड़ी लेना चाहते हैं घड़ी मिल जाएगी, और वैसे भी जितनी भी होम डेकोरेशन चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जारा के टॉप मिल जाएंगे, जींस मिल जाएंगे, जो आपको अगर आप वहाँ जाते हैं मॉल में या फिर कहीं और से ऑनलाइन परचेस करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, महंगे मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे 500, 1000 जितने भी मतलब ऐसे रहते हैं। यहाँ पे आपको प्लाजो सूट 600 की रेंज में यहाँ पे आपको प्लाजो और सूट मिल जाएंगे। उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, जितने भी प्लाजो सूट किए थे ये नॉर्मल है, मैंने और भी कवर किया है, शायद आगे नहीं करा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 200 की रेंज में जूती चप्पल सब कुछ मिल जाती हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगा रखी है, आपको बस अपने साइजेस चेक करने और अपनी स्लीपर्स ले लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे आपको जींस लेनी है तो जींस भी मिल जाएंगी, गर्ल्स की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, नाइट सूट चप्पल जूते सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आपको रिंग लेनी है एयरिंग, तो यहाँ पे एयरिंग भी मिल जाएगी। इन जो आंटी हैं ये जब मार्केट के अंदर आप एंट्री करेंगे मेन गेट से, तो सबसे लास्ट में इन आंटी की यहाँ पे अब इन्होंने लगा रखा था अपना इंस्टॉल। इनके पास 100 रुपये के 5 ये दे रही थी, आई थिंक 100 रुपये के 5 दे रही हैं। और इनकी जो मतलब आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, आप काफ़ी ऑप्शन में इसमें से छाट के अपने रिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ जगह जगह आपको होममेड डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी, साइजेस के हिसाब से इनकी रेंज रहती है, बड़े छोटे जितने भी रहते हैं, आप इसको सोफे के आगे सजा सकते हैं। बाकी ये मार्केट इन्हीं सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फेमस है ये। आगे मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ फ्रेंड्स 100 रुपीज़ की टॉप की कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जगह जगह मिल जाएगी 100 रुपीज़, बस आपको छाटने और चेक करने और ले लेना है अपने साइज। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको हमारी ऐसे ही न्यू वीडियो देखनी है मार्केट की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही मार्केट की वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मार्केट को लेके, बाय बाय।